दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा। दीदी देखी ना नौकरी इसने कहीं? नौकरी? इस तो लुगाई की आग लग रही है, ब्याह के मारे बावला हुआ जा रहा हूँ। बताओ इसे ये भी ना दिख रहा घर में कोई आया हुआ है। मिस कॉल ले बता, बिचौलिए भी मिस कॉल मार रहे हैं। चल हम ही फोन कर लेंगे भाई। हाँ चाचा, राम राम, कहाँ है तू? यही बैठा छोरी वालों के पार्टी धरा बैठा है। हाँ अच्छा, पर भाई ये तो नु कह रहे हैं हमारी छोरी की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। ना ना चाचा, उम्र की कोई बात ना, तू हाँ कर दे, मैं राजी हूँ। अच्छा उम्र में चला लूँ। मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ बता, तू पूरी बात ही बता पहले। इसका छोरी का पहले ब्याह हुआ था। अच्छा इसका आदमी मर गया था भाई। कोई दिक्कत ना, उसका आदमी मर गया था, कोई समस्या नहीं है भाई, मैं कर लूँगा, तू हाँ कर दे, करवा दे काम को किसी तरह। नहीं बात करना चाहे एक बार। पार्टी बात करना चाह रही है? हाँ बात करा तू। कौन सा? हेलो। हाँ भाई। पापा जी नमस्ते। पापा ना भाई, मैं तो छोरी का चाचा हूँ। ओहो अच्छा जी, अच्छा जी, तो छोरी का चाचा हो तुम? हाँ। हमारे भी चाचा ही लगोगे जी। छोरी मांगलिक है? है छोरी मांगलिक है। हाँ भाई। अच्छा ये बता को क्या करना? हम ना मानते हैं जी इन चीजों को, हम तो घट्टे कमाई में विश्वास रखे हैं, मांगली का कोई दिक्कत ना। ऐसे मामले में मर भी जा आदमी। अरे मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम ब्याह की हाँ भरो बस। पर जो मारी छोरी मर गई भाई। और थारी छोरी मर गई तो? और थारी मर जाएगी तो तुम मेरा फेर कहीं से ब्याह करवा दियो, तुम मर गए। अरे राम जादे कैसी कैसी बात कर रहा तू कमीने। अच्छा चलो जी फिर बात करेंगे, आवाज फटी फटी आ रही थारी अभी। राम राम। यार इस केसव बिचौले पे भी कोई काम नहीं होता, हमें तो लग रहा ब्याह के नाम का दूसरा आदमी देखना पड़ेगा। सही कह रही दीदी तुम, ये तो ब्याह के नाम पे कतई बावला हुआ जा रहा, हर कंडीशन पे ब्याह करने को तैयार है। घर में रोज इसी बात पे ड्रामा हो। तू कुछ भी कह भाभी, कल मैं जी लगाए रखे। तेरा बड़ा जी लग रहा, ऐसा ही वो है ऐसा ही तू है, दोनों ने जन्म दुखी कर रखे। मानसी को भी तो लिया थी। फेर दू तेरे भी फेरे, बैठा दू तेरी भी बनो, बता दे। चल ठाक इसे गोबर को ढंग से भर दे पूरे को, सारे को एकदम ठाक घेर दूंगी। अरे वो जो जगह तू ले जा सही जगह एरिया चुकर के सुनती ना। मैं कह रही इस कलवे का भी कहीं जुगाड़ बैठा लो, इसके रिश्ते की बात कर लो। कंगई के कर लिए गांव वाले नहीं ओण देने के, कहीं बात हो ये भांजी मारते। इसका उत्ते का चोखा जुगाड़ बैठा देता इसके मामा ने। हैं इसने फोन कर करके वहां बिगाड़ दी बात। अरे यू भी बिल्कुल बेसब्र ही हो रहा, बिल्कुल अपने मामा को ही गया पता ना के। तनु कह रही मेरे भैया को मत कह दे तू कुछ, यू बता रही बात, नहीं तो एक गुट में पसलीन का चूरा कर दूंगी। जब दिखे मेरे भैया ही दिखे, बस किसकी लोंडे लेके भगया है मेरे भैया। सही कह रहा मैं, बता के गलत कह रहा तुझे। मैं कह रही मेरे भैया के बारे में कुछ मत क्या करे। बताइए कलवे से मैं तेरे मामा की बुराई करूँ कभी? हाँ करे था माँ, एक दिन पर्चे के घेर में दो घूट मार के सारे मम्माओं को, खरीपुर वाले मोसा को, पटवारी मोसा को, सबको गाली दे था। अनु कह रहा सब साले पागल है कंजूस। माँ नु कह रहा था सालों ने सबसे फूकी हुई छाट के मेरे मत्थे मारी। अरे कलवे के बच्चे तेरा अपना तो हो नहीं रहा, तू मेरी भी चुटवा बगा। आज आज तो घर को दे। अच्छा इसे तो घेरती जा, मैं तेरे नौकर लग रही हूँ, घेर ले अपना आप। मेरे पियर यान की बुराई करे और मैं तेरे धंधे में आग लगाऊ ना, करती ले करवा ले। ओए थाईसर। अच्छा अरे देखिए इसका मुंह, फिर लड़ाई दिखा है किसी से, यो और इसका छोटा वाला बेटा दोनों एक संग है, सबसे लड़ते फिरे जा। बरसा पलटू कहाँ है? वो तो ट्यूशन गया है, मैं आपके लिए रोटी कर दूं। अरे वो खान दे के रोटी मुझे। अब क्या हो गया माँ? अरे वो मेरा खासा माँ आग लगा बिचौलिया में, इसके पड़ जा मुंह में कीड़े, ऐसे के पीछे बांध दी मैं नाच गए ने। ज्यादा गुस्से में लग रही है आज तो। इसे और इसके पूत को काम ही क्या है, गुस्सा करना और बिचौलिया को गाली देना। तो हो के ना रहा उसका ब्याह? नौकरी करने वालों को तो सब दे दे अपनी छोरी, खेती करने वालों को कौन दे रहा अपनी छोरी? काम तो काम है, खेती करने में क्या बुराई है जब जमीन अपनी है तो। खेती की बुराई चल रही दिख है। हाँ है भी इस खेती में कुछ, फिर हो जाओ सारा दिन धूल फांकते हुए। दोहरा पढ़ के खुद को कलेक्टर समझ रही है,
ये तो मुफ्त की रोटी पा रही है ना इतने दिन से मारे यहाँ, खेती में से आवे हैं ये। तेरे जिज्जा की कमाई में से नाती, उसकी कमाई में से तो यू जलेबी खा ले वही बतेरा है। क्यों झूठ बोल रहा, कब खाई मैंने जलेबी? देख रही है कितनी जवान इसकी, और तू ही कौन सी कम है, टांडी पे धरा डिब्बा जीभ से तार लिया घी का। देख रही दीदी तनसा घी क्या गिर लिया डब्बे में से, ताने मार रहा उसके। और इन माँ बेटे को काम ही के है ना, हमें ना कोई काम, सारे काम तो वो भगत ही कर दे, ढोर वो नुआ दे, थारे न्यार वो कर दे। मेरे से माथा तो मारे मत ना। इतना ठालियों में तो तेरे से माथा मारूंगा, जरा रोटी ला दे करके। तो कोई कंप्यूटर का कोर्स करके नौकरी पे क्यों नहीं लग जाता कहीं? तू के समझ रही है कंप्यूटर को, ट्रैक्टर से आगे ना वो भी, खेत में जाके देख ट्रैक्टर के पीछे बंधा रहे, जिंगे कुछ आवे ट्रैक्टर ठा के धर दे। नौकरी ना करने का तो कौन करेगा तेरा ब्याह? ये हमारा पर्सनल मामला है, इसमें अपनी अकल अपने धोरे ही राख। अच्छा ये बता तुझे कैसी छोरी चाहिए? बस छोरी हो और जिंदा हो। तुझे गोरी काली से कोई फर्क ना पड़ता? काली भूरी सही के हो, उसे भगत को देख ले, भूरी लोग नहीं लेके उसकी सेवा में ही लगा रहे सारा दिन। एक दिन नु कह रहा अप्सरा है तू, अप्सरा कैसी है 75 किलो की अप्सरा। बोलू अभी दीदी से? जा कह दे, मैं क्या डरूं उससे, उसे काम ही के है, मुफ्त की रोटी तोड़ना और खाट तोड़ना। काम तेरी लुगाई कर जा यहाँ आके, काम वो कुछ करती ना। तम पे लिवाई जा रही लुगाई, जो लिवा देते ना वही सारा काम करती, तम पे ना हो कुछ भी, मैं तो खुद ही लानी पड़ेगी कोई जुगाड़ करके। हाँ देख लूंगी जिस दिन लुगाई लावेगा, अब तू रोटी खा ले लंबा निकल ले इससे। अरे हाँ पलटू को ट्यूशन से ले आइए, मेरे बच्चे के कुत्ते ना लिपट जा। जब कुतियों के पिल्ले बदलेगा तो कुतिया काटेंगी, एक दिन लालो के पिल्ले काली के धोरे और काली के पिल्ले लालो के धोरे कर दिए, घूम फिर के कुतिया आई कहीं से घंटों में दोनों लड़ी आपस में घंटे लो, और गांव में कट्टा कहीं के, उसे ना लिपटेंगे कुत्ते तो किसे लिपटेंगे फिर। अब चला जा तू जा। ये डंडी कैसे ठा रखी है? जो कुतिया है ना लालो, हाँ। वो चिपट जा। ला झोला दे। अरे उनके पिल्ले बदलेगा तो तुझे लिपटेंगी और क्या, तुझे सब अस्सी देंगी। तो ताजी लेने आया कर रही थी। तुझे ही लेने आया हूँ और क्या, सत्ते की बहू को देखना आया हूँ। ओए मेरी मास्टरनी को कुछ मत कहिए। बड़ी आग लग रही है, सेटिंग कर ली दिखे। साले तेरा पक्का डालूंगा। निकल गई फूक तेरी, छेड़ दिया कुतिया के नाम से ही। मैं तो मजाक कर लिया था। बस मुझे मत बता। अच्छा नू तो बता, मास्टरनी के नाम से इतना फूका क्यों? सत्य की छोरी से सेटिंग है मेरी, तो मास्टरनी जी मेरी मम्मी आई। चंट है तू तो पूरा। तेरे से तो ठीक हूँ, कम से कम मेरी सेटिंग तो है। कुछ ना धरा सेटिंग में, लव मैरिज तो करनी नहीं, और जो कलवर ठान लेना ठान तो कर लव मैरिज भी लेगा। देख ले इस बड़े मर्जे को, तेरी बस के ना है, तेरे से तो साथ ब्याह भी नहीं करा जा रहा। चल घर को चल, आज माँ से बताऊंगा सेटिंग करने वाला हो रहा है। गोरी बेटी पढ़ाई पूरी होगी तेरी? हाँ, बरसा तेरे पिताजी ने लड़का देखा गोरी के लिए? माँ जी मुझे तो पता ना कि देखा के ना देखा। तू क्यों भागी आया है, के लेना आया अभी ना बड़ा घर चले। मैं तेरे टिकट खान नहीं आया, तू मजे नु बता दे वो कलवा कहाँ है वो। अब क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं करा, देखने वाले आ रहे, तुझे बता कहाँ है और पत मैंने फंसावे में। देखने वाले आ रहे? हाँ तू वो जहाँ भी कही उसे तावड़ी खेत पे भगावे ने। तम बढ़िया, उसे ही देखने आ रहे, उसे ही तम खेत पे भगा रहे। अरे तुझे पता ना उल्टा सुद्धा बोल देगा, मर जाएगी यार। सही बात, जैसा तेरा जी करे वैसा कर ले। उआ लिया। ए, मैं कुछ ना कह रहा, उरे का तेरा रिश्ता लेकर आ रे, उरे तो हो जाए एक बार। आजा आजा डरे ना। तो नहालू मैं फिर? अरे कुएं पे नहा लिया जाके वहीं से। कुएं पे क्यों? अरे तू सुन ले, अगर जो कर्म कह रहे, हमने नू कह रहा क्या भैंस देखने वाले आ रहे, तू सारे डंगे की राइड मरवा देगा। तजे देखने वाले आ रहे यहाँ डगा ना, तू ना वे लत्ते पैर के सब जान जाएंगे, भांजी मार देंगे। तो कल मैं भी चल रहा हूँ। तू क्या करेगा, मैं तो खेत पे जा रहा हूँ। क्या चल रहा जब है, मैं करवाऊंगा तेरा रिश्ता। मैं भी चल रही खेत देख के आवेंगे। तू यही मर ले, तू के लेगी वहां जाके। खेत देखने मुझे भी, देखो तो कैसी खेती कर रहे थे। बढ़िया ही कृषि मंत्री, चल रहे पलटू। अरे ले जो जा, जा बेटी चली जा। यो के कर रहा तू? दिखाई ना देता तुझे, आंख फूट रही है तेरी।
गड्ढा खोद रहा है, इसमें से लुगाई निकलेगी। वह निकलेगी इसमें सत्य की बहू। मुँह संभाल के बात कर, इसी मिट्टी में सूर दूंगा। ये सत्य की बहू कौन है रे? इसकी मास्टरनी। चुप बढ़ जा साले। बड़ा हंस रहा था मेरे ऊपर, बता दूं तेरी बात? मैं तेरी बता दूंगा। मैं क्या डरूं इससे, बता दे। एक दिन ताऊ ने उसको पकड़ लिया, ये लुगाई के लत्ते पैर रहा था। बता रही थी दीदी मेरे से। उस मोटी के पेट में भी कोई बात नहीं खपती। चल लाइट आगे होगी। तेरे बाप का आना बिजली घर। पलटू सॉरी यार, माफ कर दे। इट्स ओके। क्या बात है पलटू, इंग्लिश आखिर ट्यूशन सत्य की बहू से पढ़ रहा? आया मजा? अरे माँ कह रहा, क्या कह गए वे? अरे बेटा किसी ने भांजी मार दी, नुका दी नुका होता चोरी के इल्जाम में जेल काट पाया। अरे ये तो भांजी मारते रहे, तो चिंता मत ना करे। फिर भी तू पता काली इन भांजी वालों का, इनके बालक तो बिरान कर दूंगा मैं। अरे होते कौन वही है सुसरे ठगो के, मैं ही करे ग्रैंड कम। अरे माँ तू परेशान मत ना हो, वे लौंडे मरेंगे इनके तो नासुए के, और जिनके ब्याह होगी उनकी छुटेंगी, तू देखिए। कलवा ओ कलवा, अरे बैठा हो जा, दोपहर दिन हो लिया। यू किसने धरायो, किसने करायो टोटका? अरे तेर पर किसका असर हो रहा टोकटे का है? किसी ने गलती से धर दिया होगा। मेरे ही दुश्मन हो रहे सारे, ना चांद दे रहे तब मेरा ब्याह होना। अरे तू फालतू तो टकरा में ना, छाए पीर खेतों पर को लंबा पड़। कलवा फिर का नौकर हाथ लग रहा ना थारे खेतों पर जाने का रह रहा, अब तन्ने धराये पानी का लोटा। मैं क्यों धरती? अरे इसके जिम्मा क्यों हो रहा तू, यू बिचारी क्यों धरती? जितनी तुझे बिचारी मान रही है ना, इतनी बिचारी ना आयो। बापू कहाँ है? अरे वही के घाट है, पता ना कहाँ धक्के खाता फिर रहा होगा। भगत तो जा लिया होगा तड़के टिफिन लेके। हाँ जीजा जी तो चले गए। अरे तो जब उसकी ड्यूटी है तो जाओगा ना ड्यूटी करने। पलटू इसे क्या हो गया? घाट पे ना पहले डॉक्टर का ले चलेंगे। हाँ घाट पे ना इसे ले जाओ, पता ना किस कर्म जली की नजर लगी है मेरे लाल को। पलटू क्या हो रहा? कलवा तू जल्दी से जा डॉक्टर को बुला कर ला। अरे माँ इतनी सुबह सुबह वो डॉक्टर ना आया होने का, उसने दवाई दे रखी है, वो उसमें धरा पीले पत्ता ठेले में लिया। अभी ला दी। और पानी लेती आइए गर्म करके। चल बेटा तू लौट ले। चल आओ बैंक में तो पीछे जाकर कटवा कर मेरे लेके चलेंगे सर। ठीक है मैं डॉक्टर से पता भी पूछ लूंगा। चल इसे लुटवा। अरे तू कहाँ से आ रही है इस टाइम? स्कूल से आ रही है। कलवा सोचा माँ से मिलती चलो, सांझ को तू छोड़ दिया मुझे घर, वैसे भी घर पे कोई ना। कहाँ गए सारे तेरे घर के? तेरे जिज्जा तो गए सामली ट्रैक्टर पे कुछ सामान लेने, और सब बाकी नंद के गए। अच्छा तू यहाँ को चली आई, चाहे तेरे घर में चोर आ बढ़े। अरे कोई ना, दिन दोपहरी में, और तू इधर कहाँ गया? अरे पलटू को खांसी की समस्या है, डॉक्टर ने कही थी अगर उसे ऐसी दोबारा समस्या आई तो मेरठ दिखाना पड़ेगा, वही मेरठ वाले अस्पताल का पता लाया हूँ। ठीक है भैया दिखा ले, वैसे भी हमारे चाचा की एक ही निशानी है। हाँ दिखाऊंगा जरूर, चल घर को चल रहे हैं, यहीं खड़े रहेंगे अब। अब कैसी तबीयत है पलटू तेरी? ठीक है, पावना ना आया? पावना नहीं जीजा जी बोलते हैं। हमारे तो पावना है, मैं तो पावना ही कहूंगा। ठीक है दादा तू पावना ही कह ले, तू का कलवे से कम थोड़ी ना है। चलो तुम बैठ के सारी बात करो, मैं घेर में फेरा मार खाऊ डांगरों के धोरे। पापा को और कलवे को खाने कह दियो, घर आ जाएंगे। ए भेज दूंगी, तू खाना बना तो ले ना, भूख के इनकी हाथ टूट रही उनकी। गांव में पता नहीं इन बाड़ का ब्याह होगा कि नहीं होगा। ब्याह तो इनका है, भांजी मारने वाले नहीं होने देने के, ब्याह कहां तो हो जाएगा जी लोग भांजी मारे। बिल्कुल ठीक कह रहा तू। हाँ तारे बड़े कलवे का क्या रहा, ब्याह की कहीं तो चली बात नहीं चली। भाई चल भी जाती है ठगो के नहीं चलन देने के, लगा मैं तालसी पर ये गेल जाले भाई। तो भगत की साड़ी तो आ रही, उसते रिश्ते की बात चला देते। अरे तू इस मरे वाले कलवे को भी गाइठ ना मान, इसकी भी सिमेज में ना आ रही ना, उसने मरे सिम दिन तो कह रहा क्या मांस मानस लेके किसी टाइम आ जा। अच्छा हाँ अरे थारे वाला कलवा ना मानता, हमारे वाले पिछने आ करवा दो। सुल्तान बात ऐसी है, वो मरा सिम दी देख रहा नौकरी पर। अच्छा
सुन रहे प्रधान जी, इनका कदवा कहीं गणेश जी हाथ उठा कर रह गए। अरे सुल्तान सिंह, वह तो छुरी की पसंद है, प्रधान जी नुरजी हो जा। छोड़ दो इन बातों को, कल बार उस लड़ने जो दिखाने का आता उसका खेरा। प्रधान जी डॉक्टर ने बताया तो नॉर्मल, पूरी भी हफ्ते भर में देखो कि रिपोर्ट आ गई 8-10 दिन पीछे। लेना ही यहाँ घर मन ना लग रहा था, ऐसे घूमने आ गई है। तो बड़ा स्टेज शो हो रहा ना, जो तेरा मन लगेगा। हरियाली देखने आई थी मैं। तेरा जुखाम कैसे ठीक हुआ? मुझे कब जुखाम था? पहले तो बतेरी नाक बहती रह थी। वो सर्दियों में हुआ था, तब मैं बहुत बीमार थी। बीमार तो तू अब भी है। अब तो मैं ठीक हूँ। नहीं दिमाग की बीमार है तू। सच बता, पानी तन्ने ही धरा था ना मेरी सिरानी? हाँ। क्यों? बस देख रही थी कि तू क्या करेगा सुबह को। जो मैं तेरा सिर फोड़ देता तो? अरे मैं कहती हूँ छोड़ देती। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊँ? बना लेगी हाथोरी, कुछ हरी सब्जी बना ले। हाँ हरी सब्जी खाइए, कुछ तू भी कर लेगा। पलोथी मारी बैठी रहे यहाँ से। राम राम। राम राम। अरे आज कैसे तन्ना माँ कह दी, कैसे तन्ना राम राम कर ली? मुझे तो लगा ही घटन हुई हो रही आज। आज कर ली, फिर ना करने का हूँ। भाई राम राम करके क्यों तू हमें शर्मिंदा करे? राम राम तो हम तजा करे करेंगे। जैसी थारी मर्जी। खाल लट्ठी मांग रही तेरी, समझ गया कि हंस के बता रहा और मजा। भाभी चाप ना देख कब। अब क्या हुआ, तू तो अपने बन्नों के हाथ की चाय पीने वाला था, पीना फिर। बनाती हो तो बना देना, तो मैं चलूँ। ए बना ले थोड़ी सी चाय, जा कह रहा तो। पलटू कहाँ है? गोरी पढ़ा रही है, अंदर आओ, उसके पेपर चलने वाले हैं। वैसे पढ़ाई में तो तू ठीक है, बस राइटिंग ठीक कर ले अपनी। ओ ज्यादा ज्ञान मत दे, इनके जवाब पता जल्दी जल्दी। अरे के पढ़ा रही है इसे गलत सलत? मैं गलत पढ़ा रही हूँ तो तुम ही पढ़ा लो। तुम क्या अभी घूमता इसे? चुपचाप काम कर ले अपना। ना इसे शिकायत करने की बहुत जल्दी रहे। भक्ते को गाली दे बता, अब क्या हुआ? के हुआ कुछ भी ना हुआ, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे पेपर हैं 2 दिन में। मुझे तो लग रहा था तेरे रिजल्ट भी आ गया। ठीक है तू अपने काम पे काम रखा कर। ए कलवा काम उठा रहा, सीख में यूरिया मार दे थोड़ा ऊपर को सरक जाएगा। यू तेरे ना मार दो यूरिया, तू भी ऊपर को हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं महादंगल लड़ रहा क्या ना। बस लड़ लिया जितने महादंगल लड़ने थे, हुक्का पी पी के फैल तो जाली अमराज धोरे, बस पास ही होनी बाकी है। इन वक्त पे तो गेर मच्छी कर रहा है बे। तड़के पलटू की रिपोर्ट आवेगी, उसे देख ले जाके। हाँ याद है मुझे, कल को हफ्ता पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा के जब आऊ। उसे पलटू को भी ले जाएगा ना? उसे ले जाने की जरूरत ना है। सुन ली तेरी सारी, एक काम करिए, डॉक्टर से सारी बात बढ़िया डाल पूछ के आइए, परहेज दवाई किस टाइम देनी, ठीक है के? हाँ जी हाँ। हाँ प्रधान जी राम राम। आ जाओ प्रधान जी आ जाओ। ये पता करवा ले डॉक्टर साहब जी से। बस प्रधान जी इसकी पलटू की रिपोर्ट मिलेगी तड़के डॉक्टर के तहत, बस वही समझा रहा था मगा भाई ठीक ठाक सारी बात पूछ के आइए। आजकल भाई भाई का दुश्मन हो रहा, जैसे तेने अपने भाई के बड़ा को पढ़ा ना है। हाँ। सलाम है तेरी ममता को। प्रधान जी पलटू मेरे भाई की पीछा है, वो मेरे मेरे घर के हर आदमी के दिल का टूट। कुछ दिन से तो कलवा शांत सा रहे, ना तो कोई उल्हा नहीं आ रहा और ना ही ब्याह का रुख कतार रहा। अब तो लाइफ टाइम ही शांत रहेगा। ऐसा क्या हो गया? तू ना समझने की, तू तो अभी बालक है। यकीन तो होता नहीं। बस भगवान तू कलवा को राज्जी कर दे गोरी से ब्याह करने को, और मैं तो गंगा जी नहा जाऊं। कलवा तो थारा राज्जी है। ए गोरी के हो गया, के सोचने लगी?
नाता तो वो है नहीं, और के नाम रख दिया तुमने उसका, कलवा, कोई और नाम नहीं मिला था। ये नाम तो उसका कलीराम है, और हम प्यार से उसे कलवा कहते हैं। कलीराम, यो कैसा नाम है, कोई और नाम नहीं मिला था रखने को? ये उसकी दादी ने धरा था उसका नाम, अपनी दादी का बहुत लाडला था वो। मौसी जी, गर्मी में मैं नहाने वाला, आज सुबह कैसे नहा लिया? साबुन से। बेटी मेरठ जा रहा है, पलटू की रिपोर्ट ठा कर लावेगा। मौसी जी, इससे कह दियो अपनी जीभ की भी जांच करा ले, बहुत ऐठ में रहेगा। ए माँ, तू थल उठा दे, यू तो नुई आते जाते का सींग मारे। ए बरसा, ये कलवा जा रहा है, इसे थल ला देख। टिकट लेके बैठिए और रस्ते में किसी से लड़िए मत, और किसी का लिया दिया ना खाया करते। गौरी, तू इसे बिल्कुल ही बालक मान रही है। लो माँ जी, ले आई। कलवे जब उंगे से आवे थोड़े से फल लेता ही हो, फल खत्म हो रहे हैं, पलटू कह रहा था। ठीक है, ला दूंगा। ए गौरी, तू भी मंगवा रही है कुछ? अरे दिमाग ला दूंगा, उसकी कमी है इसके धोरे। छोरी को उल्टा सीधा बोल रहा, कम बखत। जब ये मुझे कह रही थी जब तो कुछ ना बोल लिया, जा रहा हूँ मैं अब। लथल्ला ले। वर्षा, कपड़े तार ले, बारिश होगी। पैर छूक गया। के तू सुबह से फोन में लग रही, कब से देख रही मैं तुझे। और क्या करूँ, मन ही ना लग रहा आज। घर में इतना ड्रामा हो रहा हमारे, और तेरा जी ना लग रहा। ड्रामा करने वाला तो है ही ना। अच्छा, लू ही ना लग रहा तेरा जी। ना ऐसी बात ना, वो सारा दिन लड़ता रहे ना तो कुछ जी सा लगा रहे। अच्छा, तो लड़ाई में लगा थे ना जी। उससे लड़ने में मुझे ही घना हुए। तो मना लेना उसे, फिर सारी जिंदगी दोनों माथा फोड़ियो। मना तो लिया उस अकड़ू को, और कितना मनाऊ। बसंत पापा जी, ये छोड़ लगने से पहले ट्रैक्टर बदलेंगे, लेंगे जॉन डीर, और कुछ पैसे का जुगाड़ करेंगे। आगे भाई आ जा। आ भाई बैठ। के रहा पलटू की रिपोर्ट? ताजी बताना भाई क्या रहा। पिताजी पलटू के दिल में छेद है। पलटू के दिल में छेद बता दिया। अरे के बता, रिपोर्ट में ऐसे कैसे बैठे हो तुम? माँ पलटू के दिल में छेद है। हे राम, यू क्या फता गए मेरे बालक पर। बाप तो उसका जब मर गया बचपन में, माँ छोड़ के चली गई। हमने तो अपनी छाती से लगा के पाड़ा उसे, हम पता बड़ा जोर पड़ रहा, हम कैसे करें सर। भाई कोई तो इलाज बताया होगा ना। भाई जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना, डॉक्टर ने कही जो एक आध बार और खांसी आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। कल रे तू रोवे ना, सारी घर धरती पीक के भी इलाज होगा ना, जिप भी करवाऊंगे। डॉक्टर का खर्चा बूझ कितना बड़ा? 8-10 लाख बताया। पिताजी, माँ जी जल्दी आओ, पलटू को खांसी हो रही है। पलटू, पलटू बेटा, बसंत कैसे कर रहा है? भाई तू एम्बुलेंस को फोन कर, पिताजी को लेके इसे अस्पताल लेके चल, जितने पैसे हो घर में सब ले जाओ, मैं पैसों का इंतजाम कर कर रहा हूँ। पलटू चिंता ना कर बेटा, ठीक हो जाओगा तू। हैं कैसे कर रहे हैं विषय? अच्छा, घर में जितने भी पीस है सारे ले आ दे ठाकर। पिताजी लो, पिताजी ये तो मैंने पलटू कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके पलटू को डॉक्टर के ले जाओ। बेफिक्र हो, जो भी कुछ हो सारा लगा दी मैं इसके ऊपर में। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा पलटू तने सही सलामत घर भेज दिया। अरे तो भगवान तेरे पास आके मैं अपने देवर को क्या जवाब देती। हाँ पलट सिंह, ठीक है तू? पलट दी ना बाजी। पलटू बेटे कुछ खाओगा? जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर तुझे नई साइकिल लेके दूंगा। हाँ बकलवा, तुझे कुछ बताया ना पीछे कुछ बार कहाँ तक रहता है? अरे हो गया पिताजी, बस कहीं ना कहीं से। नहीं भाई, तू ये बता 10 लाख रुपए आए कहाँ से? मैंने दिया है 10 लाख रुपए से बच्चे के इलाज के लिए। हाँ जी, तुम कौन हो? मैं हूँ जी कलवे का ससुर। कलवे का ससुर? कलवे ने मेरा घर जमाई बनने का वादा किया, इसलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए।
कलवे वादे के मुताबिक तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते बाद ये कभी अपने घर नहीं आएगा। इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारा घर जवाई बन गया। ऐसे भी होया करेगा कभी? ओ कलवे ने साइन कर रखे कागजों पे, तब पैसे दिए हैं। कलवे मेरे लाल, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं। अगर कोई मेरे सबसे करीब है तो वो पलटू ही है। मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। गौरी, मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, पर मैं तुमसे बहुत, मुझे पता है तेरे मेरे प्यार की कहानी बस इतनी सी।